दोस्तों बिहार बीएड एडमिशन से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी की बात हो सकती है। ये आखिर क्यों, ये कौन सा खुशखबरी की बात है, आपको ये सारी बातें तो इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो टांग लेते हैं, चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका ऑनलाइन दोस्त आकांत राज और स्वागत है आपको अपना चैनल एंड्रॉय पाठशाला में। तो दोस्तों ये रहा जो ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार बीएड जो ललित नारायण के द्वारा लिया जा रहा है ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों नीचे आते हैं जहां देख सकते हैं कि साइट को पूरी तरह से मेंटेनेंस में डाल दिया गया है। लिख दिया गया है कि द साइट इज अंडर मेंटेनेंस, सॉरी फॉर द जो भी डिस्टर्बिंग हो रहा है उसके लिए आपको सॉरी बोला जा रहा है। यानी कि कुछ ही दिन में जो ये साइट को अच्छे तरीके से मेंटेनेंस करके एक फ्रेश बनाकर आपके सामने ला दी जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि हो सके तो जो मैं आपको गुड न्यूज बताना देने आया था वो ये है कि अब जो सेकंड काउंसलिंग होगा वो सेकंड काउंसलिंग के थ्रू सभी जितने भी कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज है, सभी का कट ऑफ जारी किया जा सकता है। हाँ दोस्तों सभी का कट ऑफ जारी किया जा सकता है, क्योंकि ललित नारायण ने अभी तक किसी प्रकार का कोई भी कट ऑफ जारी नहीं किया है। क्योंकि तो जो कॉलेज अलॉटेड हुआ वो कॉलेज अलॉटेड होना ना होना बात बराबर है, क्योंकि वो पूरी तरह से गड़बड़ी एक तरह से कर सकते हैं। जिनका एक 4 नंबर आया है उनको गवर्नमेंट तो छोड़िए, कंस्टिट्यूशन कॉलेज से छोड़िए, उनको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं अलॉटेड किया गया। और जिन लोग का 57 नंबर आया है, 60 नंबर आया है, 70 नंबर आया है, उनको कॉलेज अलॉटेड कर दिया गया, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज। यानी कि ये जो इस वेबसाइट को ऑपरेट करते हैं ऑफिशियल वाले, वो पूरी तरह से इस वेबसाइट को ठीक तरह से मेंटेनेंस नहीं कर रहे थे, लेकिन अब मेंटेनेंस करके आपका अच्छे तरीके से प्रोसेस के अनुसार आपका एडमिशन लेगा। जो भी काउंसलिंग होगा वो प्रोसेस करेगा। तत्काल तो आपको मेरे स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर डायरेक्ट आप व्हाट्सएप थ्रू मैसेज करके बिहार बीएड हो या बिहार डिलेट एडमिशन से रिलेटेड पल पल का न्यूज प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ पे मेरे ग्रुप है, जहाँ पे मेरे तो अब ग्रुप रह चुका, गर्ल्स का अलग ग्रुप है, बॉयज का अलग ग्रुप है, डिलेट का अलग ग्रुप है, बीएड का अलग ग्रुप है, तो आप उस ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं। और तत्काल मैं अपना पर्सनली कुछ कॉलेज में कंसल्ट है तो उस कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए आपको हेल्प भी कर सकता हूँ। तो जाइए दोस्तों इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक मारना, अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करना ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और तो बात रहा दोस्तों कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी पूरी तरह से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नोटिस आ रही है ऊपर, सभी सफल विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि नामांकन है तो काउंसलिंग की प्रक्रिया 7-10 से आरंभ होगी। इससे संबंधित सूचनाओं के लिए नियमित रूप से आपको वेबसाइट में विजिट करना होगा, वहां पर नोटिफिकेशन के रूप में आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा। यानी दोस्तों जो ये अंडर मेंटेनेंस में गया वेबसाइट, ये 7 तारीख से पहले पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अगर अब मेंटेनेंस करने के बाद अगर अच्छे तरीके से करती है तो डेफिनेटली 100% तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप सभी का जितने प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वो सभी कॉलेज का कट ऑफ जारी करने के बाद ही आपका जो भी है कॉलेज अलॉटेड किया जाएगा या एडमिशन प्रोसेस किया जाएगा। क्योंकि बिना कट ऑफ के कैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आपको पता है कि मेरा नंबर इतना आया है तो आपको जो कट ऑफ जारी किया जाएगा उस कट ऑफ के अनुसार आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा नंबर इतना आया था तो मेरे इस कॉलेज में मिला है, तो मैं इसका कॉलेज का अधिकार हूँ या मेरे हक है कि इस कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ। अगर मेरा नंबर बहुत ज्यादा आया है, कट ऑफ जारी नहीं करता है, तो वो तो प्राइवेट कॉलेज भी दे देगा। मान लेते सपोज आपको नंबर 100 आया है और आपको कट ऑफ जारी नहीं किया गया तो आपको प्राइवेट कॉलेज थमा देगा, लेकिन आपको पता चले कि बाद में कट ऑफ जारी किया जाता है तो आपको उतना नंबर पे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती थी। तो ये तो है जो व्यवस्था है अंडर मेंटेनेंस के बाद क्लियर करने जा रही है, क्योंकि इसकी बहुत क्योंकि ललित नारायण के ऊपर बहुत ही फटकार लगा है। तो अब ये जाकर ऑफिशियल वेबसाइट को पूरी तरह से चेक करने वाला है और हो सके तो आपका कट ऑफ जारी करने के बाद ही आपको टोटल प्रोसेस किया जाएगा सेकंड काउंसलिंग के बाद। तो ये थी आज की गुड न्यूज, मैं बता चुका हूँ। और हाँ तो कुछ कॉलेज मेरा कंसल्ट है तो आपको वहाँ पर डिजिटल में भी हेल्प कर सकता हूँ, तो प्लीज आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक मारना, अपने दूसरा व्हाट्सएप पे शेयर करना ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।